इसकी ब्लाउज की मैं आपको आस्तीन काटना बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, हमारे ब्लाउज की लेंथ है ओ, आस्तीन है हमारे ब्लाउज की 7 इंच, तो हम लेंगे इसको 8 इंच, हम इस पर 8 इंच के ऊपर इसका मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद में हम इस पर एक सीधी लकीर खींच देंगे। जब हम इसकी सीधी लकीर खींचने के बाद में इस पर निशान लगा लेंगे, और ये जो निशान लगता है ये लगाएंगे हम 4.25 के ऊपर, क्योंकि इसका आरमोल छोटा है, इसका आरमोल है 15.5 इंच का, तो इसकी नहीं हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 7.25 के ऊपर। 7.25 पे निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से डाउन कर देंगे, ठीक है। ये हमने इसको डाउन कर दिया, अब हम यहाँ से नाप लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि हल्की से आस्तीन नमके चढ़ती है, तो आपको फिक्स आरमोल नहीं काट देना, हल्का सा लूज काटना है यहाँ से, क्योंकि ये हिस्सा बड़े होता है तो फिर आस्तीन खींचने लग जाती है, झोल मारने लग जाती है, पीस में फिटिंग सही नहीं बैठती है। तो ये आना चाहिए, जैसे हमारा आरमोल है 16, तो ये आना चाहिए 17.5 पे, तो ये 1.25 इंच नमने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ये हिस्सा, ये जो गोलाई का हिस्सा जो मैंने रखा है ना ज़्यादा, आपको भी इसी तरीके से इसको ज़्यादा रखना है। हमारी मोरी रहेगी 5.25 यानी 10.5 इंच की, तो हम इस पर निशान लगा लेंगे। फिर हम इसको इस तरीके से इसको यहाँ से सीधा कर देंगे इधर, ये सीधा करने के बाद में हम इसको इधर से यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे, ये हम इसको यहाँ मिला देंगे। ये हमारा मार्जिन है, ये यहाँ हमारा टांका लगेगा, यहाँ हम 10 इंच आस्तीन लिख देंगे, ये 10.5 हमने आस्तीन लिख दी। अब हम इसको कट कर देंगे, जिस तरीके से हम कट कर रहे हैं इसी तरीके से आपको भी कट करना है, ये हम यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। अब रहा हमारा आस्तीन का गड्ढा, तो हम इसको इसके अंदर आस्तीन का गड्ढा देंगे, हम ये कुटका लगा लेंगे, ये सेंटर हमारा कंधे से मिलेगा। अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे गड्ढे के, इस तरह इसको हम यहाँ ला के और इसको यहाँ मिला देंगे इस जगह। तो आपको भी इस तरीके से ही इसकी कटिंग कर लेना है, जिस तरीके से हमने कटिंग करी, तो आपको इस तरीके से आस्तीन काटनी है, आप देख सकते हैं, ठीक है।